प्रसाद यार मेरा पॉकेट में हम घर लेके जा रहे थे तो हाथ से ही गिर गया। तो फिर आंटी बोली बगल में कि प्रसादी उसाद यहाँ से लेके जाया नहीं आता, यहीं पे खा लेना होता है। बोर्ड लगा हुआ है तो अभी हम लोग कितना का है? तो हेलो एवरीवन माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, हेल्दी हो गए हमेशा की तरह। चलो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। अभी हम लोग जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए। हाँ, मैं मेरे साथ आनंद भाई आया बहुत दिनों बाद। कैसे हो भाई? हाय होस। तो चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस, जहाँ जाएंगे आपको दिखाएंगे। रास्ते में थोड़ा बहुत सिनेमैटिक शॉट्स आपको एंजॉय कराएंगे और फिर मेन फन मस्ती वहाँ पे शुरू होगा, तो आपको पूरा व्लॉग दिखाएंगे। बने रहे व्लॉग में, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो गाइस अभी हम लोग गांव के पास पहुंच चुके हैं। मस्त गांव का नजारा है यहाँ पर। वहाँ पर आपको एक पहाड़ दिख रहा होगा, उस पर एक मंदिर है, वहीं हम लोग जा रहे हैं अभी। मस्त रास्ता है गांव का। अभी हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, यहाँ पर सोना पहाड़ी, वहाँ पर माता का मंदिर है, तो अभी हम लोग वहीं जाएंगे। और ये देखिए बाहर का नज़ारा है पूरा, इस तरह से गाँव है पूरा चारों तरफ। आनंद भाई भी है, चलते हैं मंदिर। तो गाइस यार गजब भीड़ है यहाँ पर, मार्केट बना हुआ देख सकते हैं, कितना मान्यता है यहाँ पर आने का, बहुत ही भीड़ है भाई साहब यहाँ पर। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, श्री द्वार सोनी बाबा एवं द्वार सोनी माता मंदिर, जय माता दी। चलो यार पहली बार जा रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना है हमें पहाड़ पर जाने के लिए। ये गाइस माँ काली का मूर्ति है यहाँ पर। और वो देखिए ऊपर मंदिर दिख रहा है, चलिए चलते हैं, मजा आया काफी। हो भाई क्या मस्त मंदिर है भाई साहब। ये देखिए यहाँ पे बलि वगैरह भी चढ़ता है खस्सी का, और टिकट काउंटर है। ओह भीड़ देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे, और नारियल फोड़ रहे हैं लोग। हनुमान जी का मूर्ति है, जय श्री राम। यहाँ से एंट्री गेट है, ये पूरा ऊपर पहाड़ पे बना हुआ है। चलो अभी लाइन में हम लोग भी लग जाते हैं। और यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा हुआ है, फोटो खींचना मना है। दोस्तों अभी हम लोगों ने पूजा कर लिया है वहाँ सोना माता का, और अंदर गए तो बहुत ही मस्त सा सुंदर सा माहौल था। अंदर में चबूतरा बना हुआ था, उसी में माता का मूर्ति रखा हुआ था, मुकुट रखा हुआ था। अंदर फोटो खींचना तो मना था, बट हमने प्रणाम कर लिए, दर्शन कर लिया, और संकल्प वहाँ पर कराते प्रसाद का तो भी कर लिया, टीका लगा लिया, आशीर्वाद ले लिया माता का। फिर कभी आएंगे फैमिली के साथ, आप लोग भी आओ, यहाँ पे बहुत ही मान्यता है यहाँ का। और बलि वगैरह चढ़ता है, और लोग बच्चे जो न्यू बच्चे बेबी बॉर्न होते हैं वो लोग को भी लेके आते हैं दर्शन कराने आशीर्वाद के लिए। और यहाँ पर आपको नज़ारा घुमाते हैं, मुझे तो आकर बहुत ही पसंद आया। तो माता का आशीर्वाद आप लोग भी बने रहे, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। साथ आनंद भाई आकर कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। चलो चलते हैं यहाँ से। तो गाइज ये देखो कितना सुंदर सा यहाँ का माहौल है, और आपको नज़ारा दिखाते हैं यहाँ पर। ये देखिए पूरा पहाड़ के ऊपर बना हुआ है एकदम हाईवे, बगल में उधर पे ही हाईवे है उस साइड। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। और लुक एट दिस प्लेस गाइस, क्या लोकेशन है भाई, नज़ारा देखो यहाँ पे। अभी तो यहाँ पर कम भीड़ है, बट जब पूजा होता है यहाँ पर, मतलब जब यहाँ पे चल रहा होता है तो बहुत ही भीड़ रहता होगा। अभी तो हम लोग बहुत लकी थे यहाँ पर, भीड़ कम था तो जल्दी जल्दी पूजा होगी अंदर में। और भाई सामने पूरा जीटी रोड दिख रहा है, कलकत्ता दिल्ली हाईवे। जस्ट चेक दिस आउट, ओ भाई साहब। और हम लोग आए वहाँ हाईवे से, आपको हाईवे दिख रहा होगा वहाँ पर, देखिए ये देखिए ट्रक चल रहा है वहाँ पर। पूरा मन शांत हो गया एकदम। श्री श्री दयाल चौधरी स्मारक।
और गाइज यहाँ पर वहाँ पर बलि चढ़ता है, बट फोटो खींचना मना है, तो उधर कम आपको दिखा नहीं सकते हैं। कि आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धूप भी है बट उतना पता नहीं चल रहा, अभी मौसम अच्छा है ना। तो एक आखिरी बार प्रणाम कर लेते हैं माता को, जय माता जी। चलो ये जहाँ से हम लोग आए थे वहीं से नीचे भी जाना है। यहाँ बगल में माँ काली का मंदिर था, वहाँ से ही प्रसादी ले लिए, माथा टेक के अब चलते हैं यहाँ से। चलो गाइस यहाँ पर माता जी झंगड़ी बेच रही है, तो 20 का दे दीजिएगा। कितना का है? 5 का है। एक ठो दे दीजिए, ले लीजिए, चेंज है ना। भगवान के मंदिर के पास है इसीलिए। तो गाइस यहाँ 5 रुपये का बैर भी ले लेते हैं, 250 ग्राम का आधा आधा कर दीजिए, लीजिए। चलो गाइस प्रसादी यार मेरा पॉकेट में, हम घर लेके जा रहे थे तो हाथ से ही गिर गया। तो फिर आंटी बोली बगल में कि प्रसादी उसाद यहाँ से लेके जाया नहीं आता, यहीं पे खा लेना होता है, तो शायद इसीलिए गिर गया होगा। चलिए जो होता अच्छे के लिए होता, चलते हैं यहाँ से। तो थोड़ा चेहरा को इग्नोर कीजिए कि सुबह सुबह ही हम दोस्तों मतलब रांची से बस पकड़ के 6 बजे 9 बजे उतार दिया, तब सुबह सुबह ही जल्दी था, सो डायरेक्ट यहीं आ गए। गाइस देखो यार क्या मस्त लग रहा है, यहाँ पर बाउंड्री पर मिट्टी रख दी है, फिर उस पर फेंसिंग कर दी है झाड़ी से। तो ये जो जगह देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर जितने पाठा चढ़ता है तो यहाँ पर बैठकर बनाकर खाने का भी व्यवस्था बना हुआ है। तो इसी बीच में आइसक्रीम वगैरह भी खा रहा था जब तक बन रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो जैसे कि खस्सी बन चुका है, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है दिख करके, देखने में क्या, खाने में बहुत डिलीशियस था। और करीब 12 kg के आसपास बना था। और यहाँ चावल देख सकते हो एकदम मस्त गर्मा गर्म दोस्तों, एकदम लंबा लंबा वाला चावल है फूला हुआ। तो गाइस बढ़िया से हम लोग खस्सी खा लिए हैं, प्रसाद खा लिए हैं, और अब चलेंगे यहाँ से। पेट बहुत भर गया भाई, कम से कम आधा किलो खा गए होंगे हम अकेले, चावल अलग से, पेट पूरा भर गया है यार। तो चलो यार आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। मेरा थोड़ा रहता है घूमना फिरना और अपना पर्सनल भी रहता है मिक्स करके ब्लॉग, तो आई होप कि पसंद आया होगा आपको, लाइक कर दीजिएगा। चलिए इसी तरह मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ध्यान रखिएगा। टाटा बाय, गुड बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, अभी जा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए वहाँ सामने से। चलिए बाय बाय।